दोस्तों नमस्कार, चलते हैं अलवर प्याज मंडी में और दोस्तों जान लेते हैं असलू भाई से भी आज के अलवर प्याज मंडी में प्याज के बीज की आवक और भाव। असलू भाई नमस्कार। नमस्कार। मैं असलू भाई थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, इस बार अभी गाँव में बिजली की समस्या काफ़ी गंभीर हुई पड़ी है, राजस्थान में भी बिजली का संकट चल रहा है और हमारे यहाँ हो रही है प्याजों की बुआई और दूसरा एक महीना मौसम विभाग ने बारिश भी नहीं बताई है और गाँव में बिजली आ रही है दो से तीन घंटा, इससे क्या किसानों की पूर्ति हो जाएगी क्या बिजली की? नहीं सर, इससे किसानों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। जो बिजली आ रही है इस टाइम पे 6 घंटे का, बाकी 6 घंटे की जगह राज्य सरकार कहीं 4 घंटा दे रही है, कहीं 5 घंटा दे रही है, बल्कि राज्य सरकार कोशिश कर रही है लघु उद्योगों की बिजली काट के, जो उद्योग है हाँ। काट के किसानों को देने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी पूर्ति नहीं हो पा रही बिजली की। मैं अभी एक झारगेड़ा गाँव गया था, वहाँ किसान ये बता रहा था 2 या 3 घंटे, या एक दो गांव के किसान और बता रहे 3 घंटे की बिजली आ रही है और हमारे गांवों के बोर भी खेतों से 5-5 किलोमीटर दूर है, इतना तो पानी वो पहुंच पाता ही है और इतनी बिजली कट जाती है। हाँ जी बिल्कुल, ये उन किसानों की जाहिर समस्या है क्योंकि 6 घंटा राज्य सरकार कहती है, लेकिन जो अभी किसानों की स्थिति है 3 से 4 घंटा लाइट पहुँच पा रही है, इससे किसानों को जो और एक महीना तक जो बारिश नहीं होने के कारण है, इससे जो किसानों को बहुत चिंता का विषय है, किसान अपनी फसल कैसे सींच पाएगा, क्योंकि जो बारिश हो जाती है उससे एक दो पानी की राहत मिल जाती है किसान। और हमारे ज़मीन में भी पानी नहीं है, अलवर के ज़मीन में पानी भी काफ़ी नीचे जा चुका है। बिल्कुल, जो पानी का लेवल है वो बहुत ही, काफ़ी गाँव में 500 फुट है, कहीं 700 फुट है, 800 हज़ार भी सुनने में, 1400-1400 फुट जो बोरिंग है उनमें पानी केवल मिलता है, केवल नहीं मिलता। एक किसान 4 से 5 बोर कर रहा है वो भी सक्सेस होते हैं नहीं होते हैं ये भी संभावना अलवर में नहीं है, है ना? ये समस्या काफ़ी गंभीर जायज बात है, कहीं जो किसान है कई भी ऐसे हैं ड्राई एरिया, 10-10 बोर करने के बाद भी कोई पानी नहीं निकलता है और लाखों रुपए किसानों को बर्बाद, बोर में 2-3 लाख रुपए का खर्चा आता है किसान का और इससे किसान बहुत ज़्यादा परेशानी सामना करना पड़ता है। तो इस समय तो मेन समस्या बिजली की मानी जाएगी, क्योंकि चलो जैसा तरह पानी की व्यवस्था तो किसान कर लेता है पर बिजली नहीं होने से वो सिंचाई कैसे करेगा? अगर बिजली ज़्यादा टाइम पे मिलती है तो किसान अपने जहाँ 2 बीघा है उसको 3-4 बीघा सींच सकता है, लेकिन जब बिजली कम आएगी तो किसान को बहुत ज़्यादा परेशानी सामना करना पड़ेगा। और असलू भाई ये देखा जा रहा है 2-3 या 4 सालों से, जब जब मतलब अगस्त का महीना सूखा निकलता है तो सितंबर अक्टूबर में एक अचानक एकदम ज़्यादा बारिश पड़ जाती है। हाँ 2 साल से ऐसे ही चल रहा है, अगस्त में बारिश कम होती है और सितंबर में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उससे फसल भी खराब होती है। और ये भी अलवर में भी ऐसा अलवर 2-3 सालों से देखा जा रहा है और फसल भी खराब हो रही है। 2-3 साल से बारिश की वजह से जो हमारी गली भी रोक है वो ज़्यादातर बारिश की वजह से ज़्यादा, वो अचानक कई 5-7 दिन लगातार हो जाती है, 7 दिन ज़्यादा बारिश हो जाती है और जिससे खेतों में पानी भर जाता है, उससे वो रोग आने की ज़्यादा संभावना। तो आज आपने, आपके पास कितनी गाड़ी है प्याज के बीच? मेरे पास 2 गाड़ियाँ नहीं लगी है। अच्छा, इनका क्या क्या रेट हुआ है? 24-25 रुपए हुआ जा रहा है। और लोकल भी दिखाओ अपना, लोकल 10-12 रुपए, लोकल भी दिखाएं अपना। लोकल हमारा एलोरा का बीज है, एलोरा जो हमारे यहाँ बहुत, तो आज तो लोकल वैसे अलवर में काफी कम है पर आपके पास लोकल आज ज्यादा दिखाई दे रहा है। लोकल अपने पास 300-400 क्विंटल माल है। हाँ, तो लोकल का क्या रेट हुआ है? 4000 से लेके 5000 तक सारी वेरायटी के माल। कौन कौन सी वेरायटी है? एलोरा चाइना किंग है, किसान है, मतलब किसान को सारी वैरायटी आपके पास मिल जाएगी और 4 से 5 हज़ार का बीच में रेट है। और महुआ गुजरात का एक बार रिपीट रेट बताएंगे कितना बताया? महुआ गुजरात का 24-25 रुपए का बन रहा है। तो लोकल के भाव में जरूर तेजी माने जाएगी, लोकल के भाव में 3-4 दिन से तेजी बनी हुई है। ठीक है, और लोकल की बिक्री का हिसाब बताएं कैसी है? लोकल की बिक्री अभी दोनों बीजों की बिक्री कम हो रही है और कुछ बीज महंगा है, कुछ इस बार पानी की समस्या भी हमारे अलवर को, पानी की समस्या, लाइट की समस्या किसान। ठीक है सर, जानकारी दी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।